हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज हम आपको बताएंगे एक्टिवा के कुछ ऐसे इश्यूज जो आप अपनी एक्टिवा में फेस करते होंगे। बहुत सारे भाइयों की भी ये कंप्लेंट होगी इसके रिगार्डिंग कि एक्टिवा में ये दिक्कत तो आती ही है। तो दोस्तों, जब हम अपनी स्कूटी को ऐसे छोटे मोटे गड्ढों वाले रास्तों में से निकालते हैं, या मतलब नॉर्मल गड्ढे तो हर गाँव शहर में भी होते ही हैं, तो भाई इसमें ये जो मेन इशू ही है इसका, ये जो वाइजर है ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है और इसके हैंडल में भी साउंड आने लग गई। और आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, ये एक्टिवा हमारी सिर्फ और सिर्फ 25 दिन पुरानी है। तो देखिए, अभी से इसमें ही ऐसे इश्यूज आने लग गए हैं। हालांकि इसकी पहली सर्विस होगी अभी, तो इस देखते हैं क्या कुछ रिजल्ट मिलता है, वहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है इसका। और दोस्तों, इसके इको मोड में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है मेरे को कि ये जो स्टेबल नहीं होता इको मोड इसका, 40 से 50 के बीच में जो स्पीड बताई जाती है कंपनी के द्वारा हमें, उसमें भी ये इको मोड ऑन नहीं होता। और एवरेज तो दोस्तों इसकी 125 की, ये समझ लो कि आप 35 से 40 के बीच की एवरेज है, कंपनी 45 की क्लेम करती है। तो दोस्तों, एवरेज भी कुछ खास नहीं है। यहाँ पर आपको पिकअप, दोस्तों पिकअप की बात करें तो पिकअप में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करती है ये 125। बट एवरेज का थोड़ा इश्यू है क्योंकि इंजन थोड़ा हैवी है इसका। एवरेज, अगर आप एवरेज के लिए स्कूटी लेना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक्टिवा की 110 CC वाली स्कूटी लें। उसमें एवरेज आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, 40-45 की एवरेज आराम से निकाल देती है स्कूटी। तो दोस्तों, ये थी कुछ आज की हमारी वीडियो, और आगे चल के बताएंगे इसमें क्या क्या कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में।